हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डी व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होगे, ठीक होगे। तो अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ खेत और मम्मी का फ़ोन आया कि कुटड़ू लेके और पानी की बोतल लेके आ जा खेत। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मम्मी राजमा देखने गए हैं, राजमा लगी हुई है खेत में कि नहीं। तो मम्मी कुटड़ू लेना तो भूल गए और अभी मैं जा रहा हूँ कुटड़ू लेने, कुटड़ू दे के आएंगे उनको। तो आपको दिखाते रहेंगे कि राजमा कैसी होती है, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज़, आप यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देख सकते हो, बिल्कुल हरा हरा हो चुका है और साथ में कड़ाकेदार वाली धूप ऊपर से, धूप भी बहुत तेज़ लग चुकी है। तो गाइज, आप वहाँ पर पहाड़ पे धुंध देख सकते हो, अभी भी है। और सुबह का मैंने आपको व्यू नहीं दिखाया, सुबह तो बहुत ही सारी धुंध थी। तो गाइज, मम्मी बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं। मम्मी ने मुझे बहुत पहले फ़ोन कर दिया और कहा कि आ जा इसको लेके, कुटड़ू को लेके, और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। दादी कहाँ पर है? हेलो बोल दो। हेलो। मम्मी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उगी है बालड़ी? तो गाइज, ये है तिल। जो कि बेड़न के काम आती है, उसे बेड़नी रोटी बनती है, सिड़कू बनते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बालड़ी, राजमा की दाल, ये हमने लगाई थी, इसके लिए हमने खोदा था बहुत, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। पोट लगा रहे हैं मम्मा। और यहाँ पर तूड़ लग रहा है इस टहने के लिए। तूड़ नहीं होता, स्पोर्ट होता। स्पोर्ट हमारे भाषा में तो वो ही बोलता है, तूड़। यहाँ पर ऊपर भी बालड़ी है। लो गाइस, यहाँ पर मम्मी इससे गुड़ाई कर रहे हैं। अभी इतना करना है ये परे तक, और उसके बाद वहाँ ऊपर। यहाँ पर तो कुछ नहीं भेजा, ये वाली साइड ऊपर वाले में। इसमें कितने सारे सेब लगे गाइस, आप एप्पल देख सकते हो कितने सारे लगे हैं। बहुत बड़ा हो चुका है एप्पल का साइज़, और कुछ ही टाइम में अब हम निकाल भी सकते हैं, कुछ महीनों बाद। तो गाइस, मैं पहुंचने वाला हूँ घर की ओर। पापा का फ़ोन आया कि शर या रूढ़ी में से कुछ भी आ सकता है। अभी हम पिलर डाल रहे हैं लेंटर के ऊपर, तो उसको उतारने के लिए मैं जा रहा हूँ घर की ओर। मम्मी ने बोला कि तू चले जा और उनको उतारियो जब आएगी, अभी तो आई नहीं, लेकिन अब बैंड बजने वाली है। रूढ़ी को उतारने के लिए बहुत दम चाहिए, जो कि मेरे में नहीं है, तो देखते हैं कैसा होता है। गाइस, शाम को इतनी ठंड थी कि स्वेटर पहननी पड़ी, और आप अभी देख सकते हो एक निकर में हूँ मैं, खाली निकर, और इतनी गर्मी है, अंदर से सारा गीला हो चुका है। तो गाइस, अभी परसों, पिछले दो दिन पहले PWD वाले आए थे हमारे गांव में, सड़क साफ़ करने वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, साफ़ कर दी है सारी स्ट्रीट्स, यहाँ पर रोड भी साफ़ कर दिया है। जो ये दिख रहा है, ये लाइन मारी हुई, इसमें मेटल करेंगे अब, इसमें आगे तो नहीं, जहाँ पर गड्ढे आए वहाँ मेटल तो कर देना चाहिए पूरा रोड, ताकि चलाने में आसानी हो। और बहुत ही साफ़ कर दिया है, आप आगे तक देख सकते हो। मैं पहुंच चुका हूं घर, ये देख सकते हो मेरा घर। मैंने बोला था आपको कि रोड़ी और शरिये में ऐसे कुछ चीज़ आएगी, और यहां पर शरिया पहुंच चुका है, यहां पर देख सकते हो आप शरिया, और यहां पर है सीमेंट। सीमेंट भी हमारा पहुंच चुका है, और कुछ ही देर बाद
देर तो नहीं, कुछ दिनों बाद मिस्त्री भी पहुंच जाएंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे हमारे पिलर पड़ रहे हैं। गाइस जब हमारे ये पिलर पड़ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे दो आने वाले व्लॉग में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वाइट हिल व्लॉग्स को तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके, बाय बाय।